मुझे ना उड़ती उड़ती खबर आई थी कि जारा पे ना एक पेट सेक्शन भी खोल दिया गया, जैसे वुमेन सेक्शन मेन सेक्शन वैसे पेट सेक्शन खोला। एक बार कंफर्म कर लेते क्या ये अफवाह सच्ची है। हेलो OMG फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम OMG व्लॉग्स। तो गाइस आज सुबह 6 बजे के अराउंड हम आए हैं फंक्शन से वापस, और आने के बाद सीधा बेड पे पड़ गए थे, सो गए थे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और ब्रेकफास्ट ऑफकोर्स नहीं हुआ है, तो ब्रेकफास्ट और लंच होगा एक साथ। और काफ़ी लोग ना व्लॉग की इस टाइम वेट कर रहे हैं, और बट मुक्ति भी आके सो गई थी, काफ़ी थकी हुई थी पूरे फंक्शन से। तो मैडम कर रही है यहाँ पे अपने रूम में व्लॉग एडिट। कैसा लग रहा है मैम? देखो मैं आदि बताऊं, मैं ना 6 बार सोई होंगी, 6 बार उठी होंगी, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करते करते सो गई, फिर वीडियो एडिटिंग याद है, फिर सो गई। जल्दी से देखते हैं कि खाने में क्या है, मम्मी को थोड़े सा तंग करते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद अपने फिर काम वाम जो है वो करने हैं। और मेरे ख्याल से हमने कल एक बहुत ही स्पेशल जगह के लिए निकलना भी है, तो बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल पे हम आज। तो भाई साहब मम्मी को तो लग गई है बहुत ही ज्यादा खांसी, मुझे लग रहा है ठंड लग गई है, मान नहीं रही है, कह रही मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पर मैंने कहा मम्मी आप बैठो रेस्ट करो, मैं बनाता हूँ अपने लिए ऑमलेट। और ऑमलेट से मेरे को याद आया कि जो जो लोग मेरे अंडे की रेडी की वेट कर रहे हैं, अंडे की रेडी आएगी, जल्दी आएगी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, ये शादी वाला भी काम था, इसके बाद अभी 2-3 दिन और मैं बिजी हूँ, अब मैं अपना अंडा बना लूँ। प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, तो अंडे की रेडी खोलनी है, अंडे बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑमलेट हो गया हमारा रेडी, अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट कम लंच कम इवनिंग स्नैक्स, और उसके बाद तैयार व्यार होते हैं, थोड़े से काम निपटाते हैं। A few moments later. तो भाई साहब काम वाम तो सारे निपट चुके हैं, बट अभी एक काम और आ गया है, मुक्ति को करनी है शॉपिंग। तो अभी मैडम कह रही है कि मुझे जारा जाना है, जारा, और उधर से लेने हैं कपड़े। मुक्ति रेडी को तंग करवा लो, नहीं देख कैसे बैठा है, जल्दी चल शॉपिंग जाना है ना, तूने जल्दी चल। इंसानों की तरह बैठे बोझ, देख कैसे बैठे, तेरे को टाइम पता क्या हो गया? हाँ 8 बजे है। गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। 9 बजे बंद हो जाएगा सब कुछ। बस चलो। और मम्मी बना रही है हमारी पंजाबी मक्की की रोटी, साथ में क्या है? दाल। दाल है, सब्जी, मक्की की रोटी। हमारे ना, मैं एक बात बताता हूँ, हमारे घर में सर्दियों में हफ्ते में 7 में से 6 दिन मक्की की रोटी बनती है। मतलब घर वालों को बस मक्की का आटा आया और मक्की की रोटी बननी शुरू, साथ में चाहे साग हो, चाहे दाल हो, चाहे सूखी सब्जी हो, चाहे हम चूर के खाएं, मीठी खाएं, खैरू हाँ। कुछ काफी लोगों को पता नहीं होगा, बट दही को प्याज का तड़का लगाया जाता है, इतना स्वाद बनता है। जो जो लोग खैरू खाते हैं एक बार कमेंट करके बता दो। मैं हफ्ते में 6 दिन नहीं 2 दिन बनाती हूँ मक्की की रोटी। गाँव में थी ना हाँ। तो 6 महीने मक्की की रोटी खाते थे दोनों तीनों टाइम, पापा मैं बुई सब। इतनी नहीं खा सकता मैं तो, देखना अभी 15 दिन बड़ी है, मजे से खाऊंगा, उसके बाद मैं भी दुखी हो जाऊंगा मक्की की रोटी से। और हमारे घर में पेंट चल रहा है, और ये मिस्त्री ने लाइट भी छेड़ दी हुई है, तो ये लाइट भी खराब हो गई है, ये बंद ही कर देते हैं, इससे पहले मुझे चक्कर आए। फाइनली हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए, और उधर ओंकार रंधावा जी का स्वयं कॉल आया कि भाई साहब मुझे भी पिक कर लो। नहीं उसे पता था हम जा रहे हैं, ऐसे कैसे उसको सपने ढूंढना है, पता था। ओंकार कहता मैं भी चलता हूँ मॉल, मैं भी कुछ देख लूंगा। ये जो मुक्ति शॉपिंग के लिए लेके जा रही है ना, इसका रीजन मैं बताता हूँ, हम जा रहे हैं कल बहुत ही स्पेशल जगह, बहुत ही स्पेशल लोगों से मिलने, तो कल का व्लॉग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, परसों का व्लॉग देखना बिल्कुल, वैसे सारे व्लॉग देखने इंपॉर्टेंट है, बट कल का कुछ स्पेशल होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि मुक्ति के पास कभी कपड़े हुए ही नहीं, मतलब इसकी अलमारियां दो दो भरी पड़ी है, पर यार कपड़े नहीं है, कपड़ा नहीं है उसमें, तो खरीदा मत करो ना, अच्छे कपड़े खरीदा करो। अरे पुराने हो जाते हैं ना, स्टाइल बदल जाते हैं, सब बदल जाता है, तो फेंक दो फिर। तो मैं पहले लेने जा रही हूं ना, मतलब वो जो वार्डरोब है लेने चाहिए, फिर फेंकने चाहिए, जो पूरा भरा हुआ वार्डरोब है वो यूजलेस है जब तक आप उसे पहन नहीं सकते। तो एक काम कर, वो अलमारी फेंक दे, नहीं ले ले नई अलमारी, लेकिन उनमें नए कपड़े डाल, क्योंकि तूने कहीं भी जाना होता तो तू नए कपड़े लेती लेती है। यार मेरे पास नहीं है कपड़े सच्ची में, गाइस आप भी बोलते नहीं है, मतलब इसको मार्केट जाना है कपड़े लेने, फिर कल या बस 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 कल मुझे मुझे कपड़े खरीदने, मुझे वॉशरूम जाने के लिए कपड़े खरीदने हैं। हे भगवान,
क्या बात है, वो कार पीछे बैठ रहा है। नहीं नहीं, मैं वैसे तो आगे बैठना चाहता था बट मुझे लगता है तू हटेगी नहीं। वाह चलो बहुत ही अच्छा, अच्छी सोच मुझे तुम्हारी। पता है मुक्ति इतनी ज्यादा ढीठ है ना, तो मैंने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करना है। चलो एग्जीक्यूटिव फीलिंग आती है तो मैं एग्जीक्यूटिव फीलिंग लूंगा आज। नो सीट बेल्ट द थिंग, चौड़े होके बैठ के जाऊंगा। तो ना कल हम जाने लगे हैं थोड़ा सा घूमने, थोड़े से काम से, मतलब घर से निकलने लगे हैं। तो मैं ना एक चीज कहना चाहूंगा, जिस किसी ने भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको सबसे ज्यादा जल्दी अपडेट मिलती है। और अब से ना मैं सोच रहा हूँ जब कभी भी हमने घूमने जाना है ना तो उस जगह के जो भी लोग हैं, मतलब जिसने भी मिलना है वो आके मिल सकते हैं। तो मतलब फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, इसी बहाने मिल मुल भी लिया करेंगे इंस्टाग्राम पे ना। मतलब मैंने जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालने से पहले लोगों के कमेंट आ गए थे कि हमने आपके सूट, आपकी ड्रेसेस, सारा कुछ पहले इंस्टाग्राम पे देख लिया था। मतलब पहले पता चल जाता है लोगों को। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जिस किसी को भी अपडेट जो है व्लॉग से पहले चाहिए, और अगर बाई चांस मिलना हो तो। और मेरे 50,000 होने वाले इंस्टाग्राम पे, और मेरे 60,000 होने वाले हैं वो भी जल्दी से कर दो। मुक्ति तू बोलते मेरे 3,00,000 होने वाले हैं, कभी मत करना ठीक है। क्यों हद हो गई है? नहीं नहीं, मुक्ति को भी फॉलो कर देना भाई। इसे गम बूट कह रही है। अरे किंग गम लूंगा तो इसको बूट पे चिपकाओगे वो गम बूट बच जाएगा पागल कहीं की। यार इसको पागल हो गया। ये गम बूट थोड़ी है, ये लंबे बूट है आदी। तू गम बूट किसको बोलेगा जिसमें गम लगी हुई है? वो भी गम बूट ही है। वैसे हर बूट को गम से ही जोड़ा जाता है, पर अलग से लगा के रखेंगे। ओए नहीं नहीं, समझदार कुछ नहीं है, हैंड स्टिच बूट्स भी होते हैं। हाँ वो भी होता है, वो महंगे होते हैं ना, हम तो गम वाले लेते हैं। मुझे ना उड़ती उड़ती खबर आई थी कि जारा पे ना एक पेट सेक्शन भी खोल दिया गया, जैसे वुमेन सेक्शन, मेन सेक्शन, वैसे पेट सेक्शन खोला है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या ये अफवाह सच्ची है। भाई साहब मतलब अब से कुत्ते बिल्लियां जानवर भी ब्रांडेड कपड़े पहना करेंगे। भाई जमाना देखो कहां से कहां जा रहा है, मतलब इंसान ब्रांडेड कपड़े नहीं खोल सकते, पर सिर्फ ऑनलाइन है। ऑनलाइन अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया क्योंकि इनिशियल स्टार्ट किया रिस्पांस देखने के लिए। बट वो कुछ दिनों में इस शोरूम में भी कुत्तों के कपड़े मिलने लगे, कुत्ते भी मिलेंगे। भाई साहब जमाना कहाँ जा रहा है, मतलब पैडी को तरक्की, ज़ारा की जैकेट ना भाई तुम ही पहनाना, मैं तो अपने वाले को ऐसी लंडरी छोड़ूंगा। मुक्ति को ना हमने डिच कर दिया हुआ है। मुक्ति को हम डिच, मैंने सुना बिच कर दिया हुआ है। कुत्ते बिल्लियों की बातें हो रही थी, कही हो गया तुझे। मुक्ति को हम छोड़ाए हैं कपड़ों की दुकान में, ज़ारा में। हम जा रहे हैं कौन सी दुकान में जा रहे हैं? गैजेट फ्री, गैजेट वाली दुकान में। तो हमने कहा थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स देख ले, बहुत देर हो गई अपडेट हुए है ना। मैंने तो आईफोन 13 भी नहीं देखा अभी तक। हाँ मैंने भी वो टेटे कैमरे भी देखे। हाँ टेटे कैमरे देखते हैं। कार ने ना आते ही शुरू कर दिया देखनी एप्पल वॉच। भाई इतनी महंगी घड़ी मत लो। एक सक्सेसफुल व्लॉगर होने के लिए एप्पल वॉच होनी शुरू जरूरी है। मतलब जब तक हमने ऐसे टाइम नहीं दिखाया ना, अभी ये टाइम हो रहा है। टाइम फोन में दिख जाता है, टाइम नॉर्मल घड़ी में भी दिख जाता है। बहुत महंगी है यार, 40,000+ में जाने का क्या तुक बनता है, वो भी घड़ी के लिए। 40,000 का फोन आ जाता है भाई। देखो मन है भाई तुम्हारा तो। नहीं मैं इतनी महंगी घड़ी लेने वाले को कौन रोक सकता है। दो ले लेना, एक मेरे लिए ले लेना, एक ले लेना। किडनी तेरी कुर्बान करेंगे, पर किडनी तो जाएगी किसी ने किसी की। ये आदमी सीधा एप्पल से ज़ियोमी की वॉच पे आ चुका है। क्या हो गया उनका? तो सेम ही लग रही है भाई, फीचर भी सेम ही है। ऐसी 40,000 के खर्चे जब 2,000 रुपए का मुझे पता नहीं। नहीं 5-10,000 की तो ये भी होगी, ऐसे ना करो। 2,500 नहीं, ये 2,500 की है, ये वाली पता नहीं कितने की है। ये फ्री में है, रेट ही नहीं लिखा है। दिस इज हाउ क्विक यू कम फ्रॉम एप्पल टू Xiaomi व्हेन यू सी द रेट्स। ये जो आप दुकान देख रहे हो ना मेरे पीछे, इसके अंदर रश पता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रश होता है सिर्फ फ्राइडे के दिन। ऊपर पढ़ो दुकान का नाम। ओ फ्राइडे, वन फ्राइडे, एक ही फ्राइडे पे रश होता है। ये जो मेरे पीछे दुकान देख रहे हो, इतनी ज्यादा खतरनाक दुकान है। यहाँ पे जो छोटे छोटे मासूम सी शक्ल वाले बच्चे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर हमले कर देते हैं। दुकान का नाम है हमले, हमले करते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे दुकान है ना, इनको ना दुकान का नाम ही नहीं समझ आ रहा था, तो बहुत देर से इमेजिन कर रहे थे। वाओ व्हाट अ नेम, इमेजिन। ये खुद ही इमेजिन कर लो दुकान का नाम क्या है। ये जो मेरे पीछे दुकान है ना, ये भी पुरानी दुकान के जैसे है। ये अभी तक सोच रहे हैं कि दुकान का नाम रखना क्या है। दुकान का नाम ही सोच रख दिया। लोगों को बोल रहे हैं कि सोच और बता हमें क्या रखे नाम दुकान का। तीने अभी तक कुछ नहीं खरीदा, शक्ल देखो इसकी। हम ना पूरा मॉल छांट के आ चुके हैं। ऐसी ऐसी दुकानें देख ली जो आज तक हमने इस मॉल के अंदर देखी भी नहीं थी।
हमने एक चीज नहीं फाइनल की है यार, हमारे साथ दुकान वाले ना सामान ऊपर नीचे करते रहते हैं, जो चीज अंदर जानी थी वो बाहर कर दी है, जो चीज बाहर आती होती थी वो अंदर कर दी है। क्या फैशन चल रहा है तुम्हारा? पहले इसने रजाई खरीदी, फिर मैंने बोला रजाई के साथ मैचिंग चश्मे भी होने चाहिए, फिर मैंने कहा इतनी ठंड डिक्लेयर कर दी है तो कान भी ढक ले। मुझे इसको देख के गर्मी लगने लग गई है। भाई साहब ओंकार कहता मुक्ति तू कर शॉपिंग, हमें लग रही है बहुत ज्यादा भूख। पेशेंस का ना लेवल होता है जो पार हो चुका हुआ है, अब तो हद कर दिया उसने। मतलब लेने एक चीज आती है, पूछती हर चीज है ये है ये है ये है, फिर खुद ही भूल जाती है लेने के आई थी। सही बात है। तो हमने सोचा मुक्ति तू कर शॉपिंग, अभी जो 15-20 मिनट दुकानें खुली हैं वैसे इससे ज्यादा तो नहीं खुली होंगी, और हम कुछ जाके खाते हैं। फाइनली खा पी के हम निकल चुके हैं कहाँ से, मामा गोटो से। हमने खाया एशियन खाना जो कि हमें कुछ नहीं समझ आया कि उसमें मेन्यू में क्या लिखा था, बट खाना तुक्के से ऑर्डर करने के बाद खाना मिल गया हमें स्वाद। जब लोग आगे वाला फोन वगैरह यूज कर रहा है, बंदे से पूछा था कि बढ़िया है क्या। अच्छा। कई बार सजेशन अच्छी रहे, वो भी शक्लें देख के बताता है कि इसको ये अच्छा लगेगा। हाँ। ये बता देता हूँ, उनको पता लग गया ये करारे वाले हैं, करारे वाले। बस स्पाइसी था, मजा आया खा के। कल हमने जल्दी सुबह मॉर्निंग में निकलना है, तो अभी जाते ही मैं व्लॉग एडिट करूंगा, ये दोनों रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे। यार बैग भी पैक करना है यार, कल का सफर करेंगे अब शुरू बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। तो घर तो हम पहुंच गए, बट घर पहुंच के पता लग रहा है ताला लगा हुआ मेन गेट का। कितनी थकान हो रही है ना, मेरा गला तो वहां चिल्ला चिल्ला के खराब हो गया। मेरा गुजलू जा दीदी को मिल ले। तो ऐसे इसी के साथ करता हूँ मैं व्लॉग को खत्म। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। और जिस जिसने हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो करो, क्योंकि उधर भी हम बहुत ज्यादा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, और हम रेगुलर होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे मुक्ति मेरे को और ओंकार को कर दो फॉलो। और अभी मुझे ना कल सुबह के लिए पैकिंग करनी है, अपना रूम साफ करना है, व्लॉग एडिट करना है, तो बहुत ज्यादा काम है। जल्दी से काम करते हैं, सोते हैं। गाइस गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में।